फ्रेंड कैसे हैं, आइए बच्चे होंगे तो हमेशा की तरह एक वीडियो और है गाइस। तो आज का जो वीडियो है, जैसा कि आपने देखा है, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे मेरे को कि सर बोर्नियो को कैसे यूज़ किया जाए, बोर्नियो कैसे डाउनलोड करते हैं, एक बार एक फुल प्रॉपर वीडियो बना दीजिए। बोर्नियो एक हमारा जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हार्डवेयर मोबाइल रिपेयरिंग में जो हार्डवेयर का है वो बहुत सोल्यूशंस है गाइड्स की। अगर आपके पास हार्डवेयर सोल्यूशन होगा तो आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल इस फील्ड में हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और मिम से रिलेटेड हैं, तो हमारे वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ऐसे ही मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से लेके रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो आज का जो वीडियो है हमारा, एक बोर्नियो टूल के ऊपर है जो कि मोबाइल हार्डवेयर सॉल्यूशंस के ऊपर होता है, जो कि उसको कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे सारे वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्नियो कैसे डाउनलोड करना है, बोर्नियो में क्या क्या फीचर्स होते हैं, और बोर्नियो को कैसे आपको फाइनली यूज़ करना होता है। ये कंप्लीट वीडियो है गाइस, तो वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखिएगा। आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आपको अगर बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम का सेटअप डाउनलोड करना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल ये कैसे एक्टिवेट होता है वो सारा कुछ आपको डाउनलोड करने के बाद आपको एक की मिल जाती है, जिससे कि आप कर सकते हैं। तो बोर्नियो आप लिख सकते हैं, आप गूगल पे लिखेंगे अपडेट बोर्नियो या बोर्नियो अपडेट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप सिंपल सिंपल इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो जाएगा गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये देखिए सेटअप आपको इस तरीके का आ जाएगा। सेटअप को आपको ओपन कर लेना है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है गाइस, तो मैं यहाँ पे सेटअप को ओपन कर लेता हूँ। अब सेटअप ओपन होने के बाद मैं आपको यहाँ पे क्या क्या इसमें फंक्शन है और क्या क्या इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपका, जैसा कि मेरा इंटरनेट यहाँ पे कनेक्ट है गाइस। और ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर एक थोड़ा सा वीडियो कंप्लीट बोर्डिंग के ऊपर आप हमें दे दो, जिससे आप कई सारे हमारे सब्सक्राइबर और हमारे स्टूडेंट को भी काफ़ी हेल्प हो जाती है गाइस। तो एक छोटी सी वीडियो है, हेल्पफुल वीडियो, आई होप शायद आपको भी अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो कम्प्लीटली ओपन होने दीजिए। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ इस टूल में, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये टूल आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं ये भी आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, फिलहाल फुल कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला है यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशंस। देखिए डेली ये जो है बोर्नियो डेली अपडेट कर रहे हैं। आज की अगर आप बात करें तो इन्होंने Xiaomi 6A का डुअल सिम हार्डवेयर सॉल्यूशन इन्होंने ऐड कर दिया है। इन्होंने विडमैप LG का ऐड कर दिया है। ये आज का अपडेट है गाइस, ये देख सकते हैं आज का अपडेट है ये। मतलब डेली के डेली ये हर एक कोई ना कोई फ़ोन, लैपटॉप और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहे हैं। मोटरोला का स्कीमेटिक डायग्राम इन्होंने ऐड कर दिया है, तो काफ़ी सारी अपडेट ही आते रहते हैं इनके तरफ से। हम पहले टाइप की बात करें गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या होता है गाइस, कि अगर आप पर्टिकुलर जो भी इतने सारे ब्रांड्स हैं, आईफोन, वीवो, टेक्नो, ये सारे ब्रांड हैं, वीवो के ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीवो के जल्दी स्कीमेटिक डायग्राम नहीं मिलते हैं कहीं भी, तो इन्होंने काफ़ी हद तक हार्डवेयर सॉल्यूशन यहाँ पे डाला हुआ है। तो जैसे अगर हम बात करें पर्टिकुलर कोई भी एक लेटेस्ट फ़ोन या फिर कोई भी हम फ़ोन खोल लेते हैं, V17, V19, चलिए V17 का खोल लेते हैं, एक मैं आपको दिखाने के लिए है गाइस। ये हार्डवेयर सॉल्यूशन के टैब में क्या होता है गाइस, कि आप यहाँ पे जो भी आपके रिलेटेड जो भी आपका प्रॉब्लम है हार्डवेयर से रिलेटेड, चाहे वो कैमरा का, चार्जिंग का, टच का, LED, ग्राफिक्स का, नेटवर्क का, फ्रंट कैमरा, वाईफाई का, बैक कैमरा टू और फ्रंट कैमरा, और यहाँ पे कंपोनेंट के नेम की आपको पार्ट्स जानने, ये ऐड किया वीडियो मैंने और डाला हुआ है ये अपडेट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल में और जा करके ये अपडेट वीडियो देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ ऐड किया हुआ है। इनपुट आउटपुट वोल्टेज, हैंड फ्री, बैक कैमरा, लाइट सेक्शन, ये माइक और यहाँ पे सारा कुछ। तो चलिए मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस, और ये हार्डवेयर सॉल्यूशन मतलब आपका अगर V17 प्रो जो भी फ़ोन है, अगर आपका ग्राफ लाइट नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करना होता है, यहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा गाइस। ऊपर AMOLED सेक्शंस है ये, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये इसका कनेक्टर है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इन कनेक्टर पे हमारा GR और जो भी आउटपुट वोल्टेज होता है वो सारा कुछ यहाँ पे VDD होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारी IC और
और ये सारा कुछ सेक्शंस, मतलब आप सिर्फ ट्रेसिंग कर सकते हैं। कुल मिला के गाइज आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर ये हमारी लाइन ओपन हो गई, ब्रेक हो गई, शॉर्ट हो गई, लीकेज हो गई है, तो किस आईसी से आ रही है, क्या कॉम्पोनेंट लगा है, ये आपको हार्डवेयर सोल्यूशन में मिल जाता है। एनी मॉडल्स का आप ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लाइट का खोला, और ऐसे ही काफ़ी सारे मॉडल्स जैसे वीवो के ज़्यादातर नहीं मिलते हैं, तो आप यहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन इन इतने सारे ब्रांडों को आप देख सकते हो। चलिए सेकेंड टाइप है हमारा गाइस बिट मैप। बिट मैप भी क्या करता है, एक ट्रेसिंग का फॉर्मूला है। जैसे कोई भी मॉडल आपको स्कीमेटिक नहीं मिल रहा है, कोई मॉडल उसका हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे भी जाकर के वीवो में भी देख सकते हैं कि कितने सारे लेटेस्ट मॉडल गाइस, कितने सारे लेटेस्ट मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हैं, Z1 Pro, Z5, और यहाँ पे वी की बात करें, एक्स, अगर एक्स की बात करें तो X50, मेरा तो X70 Pro है, और यहाँ पे X50, X50 Pro, अब देख सकते हैं गाइस X50 का भी यहाँ पे डला हुआ है, प्रो का भी डला है बिट मैप, और ये बिट मैप भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपको ट्रेसिंग बता देता है कि कौन सी सप्लाई किस पैड से जुड़ा हुआ है, वो काम है, NC है, नहीं है, आप जैसे कभी काम कर रहे हो, कोई IC पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा गाइस। मान लीजिए सपोज आप किसी भी IC पे काम कर रहे हो, और मान लीजिए आप UFS या MMC पे काम कर रहे हो, कोई आपसे पैड उखड़ जाता है, या सपोज कोई IC या पावर IC या कोई भी छोटी IC या बड़ी IC पे आप काम कर रहे हो, आपको लगता है कि गाइस कि यहाँ पे आप देख सकते हो जितने ब्लू हैं, ये देखिए कलर मार्क है यहाँ पे, ग्रीन वाले जितने हैं वो ग्राउंड है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, सॉरी ये ग्रे कलर, ये हमारे जितने भी ग्रे कलर हैं वो हमारे ग्राउंड हैं, ब्लू कलर जितने भी हैं वो हमारे NC हैं, और हमारे जो भी कलर्स हैं यहाँ पे देखते मल्टीपल कलर्स, ये हम आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो दिख जाएगा। तो गाइस सबसे बेटर ये चीज़ है कि जितने ब्लू, मान लीजिए आपने IC पावर IC पे काम कर रहे थे और यहाँ पे कुछ पैड्स उखड़ गए गाइस, तो कुछ पैड उखड़ गए यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो पैड अगर उखड़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे NC होते हैं, MMC UFS के भी ये पैड्स उखड़ जाते हैं, तो आप पता कर सकते हैं कि अगर ये नहीं भी होगा तो काम हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं गाइस मेन CPU अगर आप निकाल रहे हो और यहाँ पे आपके इतने सारे पैड अगर उखड़ भी जाते हैं तो NC है, ये आपका विड मैप ये तो है ही है गाइस। बाकी जैसे आप किसी कंप्लेंट पे रखना चाहते हैं, वो कंप्लेंट निकल गया, वो कंप्लेंट किससे जुड़ा हुआ है, ये आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बता देता है। कंप्लेंट की बात हो गई, कनेक्टर्स की बात हो गई, तो गाइस ये विड मैप आप कहीं भी क्लिक करेंगे, जैसे कि आप क्लिक करेंगे किसी को बाईपास करना है, ये देख सकते हैं कौन किस पैड से जुड़ा है, ये विड मैप आपको बहुत हेल्पफुल कर देता है गाइस। तो ये विड मैप हुआ, एनी मॉडलों का विड मैप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी चीज़ अब मैं आपको बताना चाहूँगा, विड मैप के बाद यहाँ पे आ जाता है मेन हमारे स्कीमेटिक। स्कीमेटिक के बाद लैपटॉप PC और वन ड्राइव यहाँ पे है, तो हमें केवल तीन ही सेक्शंस मतलब है, हार्डवेयर सोल्यूशन, विड मैप और स्कीमेटिक डायग्राम। तो आप देख सकते हैं अब थोड़ा मैं स्कीमेटिक थोड़ा सा आपको चला के बता देता हूँ कि कैसे आपको यूज़ करना है स्कीमेटिक डायग्राम। तो आप देख सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम इन्होंने काफ़ी हद तक मॉडल्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, जैसा देख सकते हैं ओप्पो, वीवो, सैमसंग, OnePlus वगैरह वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे मॉडल्स यहाँ पे ऐड हैं। तो एक बार मैं OnePlus को चेक कर लेता हूँ, OnePlus, ओप्पो या ये कोई भी, ज़रूरी नहीं, डायग्राम पढ़ना आना चाहिए गाइज। तो मेन वीडियो का मोटिव हमारा यही था कि आप डायग्राम कैसे पढ़ते हैं गाइज। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी मॉडल खोल लेता हूँ, चलिए मैं ले लेता हूँ गाइज OnePlus ही ले लेता हूँ, अभी मैंने OnePlus देखा था, OnePlus को ही ले लेते हैं, ये OnePlus हमने ले लिया। OnePlus में आप देख सकते हैं X है, OnePlus X है, 6 है, चलिए 6 को ले लेते हैं, 6 को हमने ले लिया। अब इसमें आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले आपको लेआउट खोल लेना है, लेआउट के बाद अपना स्कीमेटिक डायग्राम खोल लेना है। ये टूल आप किसी भी, ये कभी भी टूल चेंज भी हो सकता है, कभी हमेशा अपडेट आ सकता है, तो हमेशा अपडेट के साथ आप जुड़े रहेंगे गाइस। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे कर लेना है स्कीमेटिक डायग्राम। यही है वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव कि आपको गाइस कैसे आपको यूज़ करना है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको यूज़ करना है, बहुत मैं सिंपल तरीका आपको बताऊंगा, बहुत इजी तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ स्कीमेटिक डायग्राम को चलाने के लिए गाइस। बहुत अगर बोर नहीं हो आप यूज़ कर रहे हैं, बाकी बोर नहीं हो, आप कोई सा भी डायग्राम को कैसे आप रीड करते हैं, राइट करते हैं, कैसे उसको देखते हैं, क्या ट्रेसिंग करते हैं, मैं यहाँ पे सब मेंशन करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे लेआउट खोल लिया और यहाँ पे स्कीमेटिक खोल लिया गाइज। लेआउट में क्या होता है, लेआउट में आपके जैसे पार्ट, जो भी कॉम्पोनेंट नंबर है, जो भी कनेक्टर्स नंबर है, जो भी TP है, वो सारा यहाँ पे आप जूम करोगे तो दिख जाएगा पे। यू आप IC, ये सारा डिटेल अगर आपको और डीप नॉलेज से जानना है तो आप हमारा ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाता है कि ये सप्लाइयर क्या है, वो क्या काम करते हैं, किस IC को हम बाईपास कर सकते हैं, किस को नहीं कर सकते, तो आप हमारा ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा लेआउट हो गया, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब हम इस पे आपको वर्क कैसे इस पे काम करते हुए आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग का आइकन दिख रहा है, जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन में हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस कॉम्बिनेशन पे टिक कर लेना है और स्केमेटिक पे भी आपको कॉम्बिनेशन पे टिक कर लेना है। मैं थोड़ा सा इसको साइड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे गाइज, ये आपका लेआउट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका लेआउट और डायग्राम दोनों मर्ज हो जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे, आपको बार बार दूसरी पेजों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलाने बहुत इजी और वे रहता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये हमारा डायग्राम है ये है गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो 40 पेज का है, 40 पेज का डायग्राम है। तो हमें 40 पेजों से मतलब नहीं होता है गाइस, आप 40 में आएगा तो सारे सेक्शन यहाँ पे इंक्लूड रहता है, पर हमें 40 पेजों से मतलब नहीं है। हमें मतलब होता है अपने लेआउट के जिस भी कनेक्टर पे काम करना है, सपोज हमें यहाँ पे डिस्प्ले पे काम करना है, चार्जिंग पे काम करना है, माइक पे काम करना है, स्पीकर पे काम करना है, हेडफोन पे काम करना है, तो सारे कनेक्टर वेज हम जाएंगे गाइस। बैटरी कनेक्टर पे काम करना है, जिस भी कनेक्टर पे काम करना है उस पर काम करना है। तो चलिए मैं फिलहाल एक कनेक्टर को आपको ट्रेस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं CN4400 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये सबसे बेस्ट है, इजी इसलिए लगता है कि आपको क्या करना है पे डबल क्लिक, जैसे आप डबल क्लिक करते हो ना गाइस, आप देखोगे सीधा और सीधा अपने कनेक्टर पे पहुंच जाओगे। आप देखोगे यहाँ पे सीधा और सीधा अपने कनेक्टर पे पहुंच गए, बहुत इजी है, मतलब एक बार समझना पड़ेगा आपको कैसे नहीं होता है, कैसे काम करता है गाइस। आप देख सकते हैं ये आपका जो डायग्राम चलाने का मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, हाउ टू यूज बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम हार्डवेयर सोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने हमने जब से कनेक्टर पर डबल क्लिक किया सीधा और सीधा हम अपने डिस्प्ले कनेक्टर पे पहुंच गए। इसमें डिस्प्ले लाइट और ग्राफिक सारी चीजें होती हैं गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारा सेक्शन से, यहाँ पे सारे सेक्शन को जानने के लिए आपको एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना ही पड़ेगा, जिससे आपको सारा ये डीप नॉलेज मिलेगा कि ये सप्लाइयाँ क्या होती हैं, क्या काम करती है, कब वोल्टेज आता है, सारा कुछ। तो एक ट्रेसिंग का माध्यम है, एक आप अपने सारे लाइनों को ट्रेस कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे यूज किया। सबसे पहले हमने लेआउट खोला, लेआउट खोलने के बाद हमने अपना कनेक्टर पे गए, कनेक्टर पे हमने या तो नहीं होता तो सर्च बार में हम चले जाएंगे और नेस कर देंगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो आप डबल क्लिक करेंगे और सीधा अपने कनेक्टर पे पहुंच जाएंगे गाइस। देख सकते हैं हमारा 40 पिन का कनेक्टर है, और 40 पिन का कनेक्टर के साथ साथ अगर हम किसी एक लाइन की बात करें अगर गाइस, किसी भी एक लाइन को मैं आपको ट्रेस करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कोई भी एक लाइन यहाँ पे दिखा देता हूँ, कोई भी एक लाइन वी आर की लाइन, आप देख सकते हैं एलईडी रिसेट की लाइन, चलिए मान लेते हैं। तो रिसेट के लाइन में हम यहाँ पे देख लेते हैं रिसेट और इंटरप्टेड एस डी एस सी एल, ये सब कुछ आपको टीपी, यहाँ पे मीपी की लाइन और यहाँ पे थर्म की लाइन आपको सबको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली किसी भी रजिस्टर या फिर किसी कॉम्पोनेंट को आपको ढूंढना है कि वो रजिस्टर कहाँ लगा है, ये बोर्ड, ये जैसे हमें मान लीजिए अगर हम बात कर लें फटाफट, तो एक फटाफट बात कर ले किसी एक लाइन को, मैं पर्टिकुलर आपको समझा दूं तो आपको बहुत ज्यादा, चलिए ये हमारी टीएस आईएनटी की लाइन, मतलब टच, ये टीएस क्या होता है, ये कोडिंग क्या होती है, कोडिंग आपको जानने के लिए ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा गाइस। तो चलिए ये टीएस और इंटरप्रेट की लाइन, हमें आईएनटी की लाइन को ट्रेस कर लेते हैं। आईएनटी की लाइन में देखेंगे यहाँ पे 1K का एक रजिस्टर लगा हुआ है। अब ये रजिस्टर बोर्ड में कहाँ लगा हुआ है, तो सिंपल सिंपल जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा गाइस, थोड़ा कलर का इन्होंने कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं सेट किया है, पर ठीक है। ये देखिए देखिए मैंने कोई क्लिक नहीं किया, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये देखिए 4010 4010, ये आप देख सकते हो गाइज, ये हमारा जो इंटरप्टेड का रजिस्टर है, 1K का रजिस्टर लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगा हुआ है गाइज, ये आप देख सकते हो। और ये जो 0 ओम्स का रजिस्टर है उसी के जस्ट बाजू में लगा हुआ है। तो ये हम पता कर पाते हैं कि लाइव ट्रेसिंग के दौरान हमें कौन सी लाइन कब ट्रेस करना है, किस लाइन को ट्रेस करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा कुछ ऐसे ही स्कीमेटिक डायग्राम चलाया जाता है गाइज। तो अगर आई होप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा गाइज। थोड़ी सी बड़ी वीडियो थी और बड़ी वीडियो होने के कारण आपने मैंने डिटेल देने की कोशिश की है गाइज। तो आई होप अगर ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि बोर्नियो आपको लेना चाहिए तो जी हाँ, अभी के डेट में क्योंकि आगे चल के फिर से चेंज हो सकता है, बदल सकता है, तो फिलहाल अभी के डेट में आप बोर्नियो जरूर परचेस कर लें, जिसमें आपको मैं बताना चाहूंगा फिर से कि इसमें हार्डवेयर सोल्यूशन हो, चाहे उसमें डायग्राम हो, स्कीमेटिक हो, बिट मैप हो, आप बहुत इजली तरीके से एक टूल में सीख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।